अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी इस तरह का लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स वाला बटन जो है अपनी वीडियोस पर लगाना चाहते हैं और अपनी वीडियोस को एक प्रोफेशनल वीडियो जो है बनाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए है। दोस्तों, आप दोस्तों को अपनी वीडियो को प्रोफेशनल बनाने के लिए और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करना पड़ेगी। तो मैं आप दोस्तों को आज बताऊंगा कि इस तरह से आप अपनी वीडियोस के शुरू में, दरमियान में या एंड में ये सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स वाला बटन जो है वो लगा सकते हैं। इस बटन का आप दोस्तों को काफी ज्यादा फायदा भी होने वाला है। इससे ये होगा कि आप दोस्तों को फ्री में सब्सक्राइबर, लाइक्स और कमेंट्स जो है वो मिलते रहेंगे, बल्कि आप दोस्तों को शेयर्स भी इससे मिलते हैं। तो आप दोस्तों को किस तरह से ये बटन जो है वो ऐड करना है आप दोस्तों ने अपनी वीडियोस में, ये तमाम चीजें मैं आप दोस्तों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि किस तरह से हमने ये बटन जो है अपनी तमाम वीडियोस में जो है वो ऐड करना है। तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। जी, तो यहाँ पे अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे आने के बाद आपने यूट्यूब को यहाँ से ओपन कर लेना है। ये देखें, ये आप दोस्तों के सामने ये यूट्यूब है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, यूट्यूब हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने करना ये है कि यहाँ से अगर आपका यहाँ पर अकाउंट ऑलरेडी लॉग इन है, यानी आपका अकाउंट यहाँ पर ऐड है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो सिंपल आपने यहाँ पर आके ये सर्च बार जो है इस पर अपना चैनल जो है वो सर्च कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ अपने चैनल को, अर्निंग थिंग्स के नाम से मेरा चैनल है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये मेरा चैनल यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर मैं इस चैनल पर यहाँ पे आके क्लिक करूंगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओपन होने के बाद इसका मैं एक स्क्रीनशॉट जो है वो ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद, जैसे ही यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे वापस चले जाते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर वापस जाएंगे, इसके बाद आपने करना यह है कि आप दोस्तों के पास अगर काइन मास्टर है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप जाकर गूगल प्ले स्टोर से काइन मास्टर जो है डाउनलोड कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पे काइन मास्टर को जो है वो ओपन कर लेना है। ये वाला काइन मास्टर है, इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे ओपन करेंगे, आप दोस्तों के सामने इस तरह से ये जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही ओपन होता है, सबसे पहले आपने क्या करना है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जी, यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अब आपने करना ये है कि ये आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप दोस्तों के सामने यहाँ पे ये साइज़ का ऑप्शन आएगा। आपने यहाँ से 16x9 का ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर ये आपको ऊपर नेक्स्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप दोस्तों के सामने यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। यहाँ से आपने ये इमेज वाला ऑप्शन जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप दोस्तों के सामने यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो आ जाएंगे। आपने इनमें से कोई एक कलर जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर ये मैं ये जो ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर देखें ये आ चुका है। अब यहाँ से आपने इसको कट कर देना है। ये जो कट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप दोस्तों का यहाँ पर ये कट हो जाएगा। अब आपने करना ये कि इस वाले कलर को आपने सेलेक्ट कर लेना है, यानी ये जो कलर है ये वाला कलर, ठीक है ना। इस पर आपने यहाँ पे आके क्लिक करना है, यहाँ पे आके क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ पे कलर जो है वो आ चुका है। आप दोस्तों के सामने कलर का ऑप्शन जो है वो आ चुका है, इस पर अब आपने क्लिक करना है। ये कलर वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपने क्लिक किया। जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप दोस्तों के सामने यहाँ पर ग्रीन ऑप्शन जो है नज़र आ रहा है। कहीं यहाँ पर ये फर्स्ट में आ जाता है या कहीं सेकेंड में आ जाता है, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट वाला या सेकंड यहाँ पे भी ग्रीन कलर आपको नज़र आए, आप उसमें पिक के क्लिक कर देना। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ओके हमने किया और यहाँ पे देख लें आप दोस्तों के सामने ग्रीन स्क्रीन जो है वो आ चुकी है। अब यहाँ से हम इसको ओके करेंगे, ये वाला बटन आपको ऊपर नज़र आएगा, इससे आपने इसको ओके कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसको ओके कर लिया। अब आपको ये जो लेयर वाला बटन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये वाला जो आपको लेयर वाला बटन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप दोस्तों के सामने यहाँ पे मीडिया वाला ऑप्शन जो है ये वाला आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे कहेगा कि आप वो वाला स्क्रीन शॉट सेलेक्ट करें जो आपने यहाँ पे किया था। तो हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था उसको हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद इसके बाद आपने इसको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है और ये आपके सामने क्रॉपिंग का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला क्रॉपिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इसको क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ तक और उसके बाद यहाँ तक। करने के बाद हम इसको ओके पे क्लिक करते हैं तो अब इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको जूम कर लिया। करने के बाद इसको और हम थोड़ा सा क्रॉप जो है वो करेंगे। करने के लिए यहाँ पे हम क्रॉपिंग पे क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ से हम इसको जो है थोड़ा सा जो है यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये देखें, ये हमारा यहाँ तक सेलेक्ट हो चुका है। अब इसको ओके करते हैं। करने के बाद अब दोबारा आपने फिर से लेयर पे क्लिक करना है। ये जो आपको लेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा जो कि होगा इसके सब्सक्राइब बटन का लिंक, उस पर आपने क्लिक करना है और उसको ओपन करके आपने डाउनलोड कर लेना है। करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर लेयर पर क्लिक करेंगे, दोबारा से आपने मीडिया पर क्लिक करना है। करने के बाद वो वाला बटन जो आपको दूंगा वो इस तरह से आपकी वीडियो आपकी डाउनलोड होगी, उसको आपने यहाँ पर लेके आना है। जैसे ही यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने करना ये, यहाँ से आपने क्रोमा की को जो है वो सेलेक्ट करना है। ये देखिए, ये आप दोस्तों के सामने क्रोमा की जो है यहाँ से आ चुकी है, इस पर आपने क्लिक करना है।
जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों को यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन जो है वो मिलेगा, ये वाला इनेबल का, इस पर आपने क्लिक कर देना। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देखें ये 28 ऑप्शन जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला 28 वाला, इसको आपने यहाँ पे 50 पे लेके जाना है। यहाँ पे हमने इसको 50 पे किया तो यहाँ पे देखें आप दोस्तों के सामने तमाम का तमाम जो यहाँ पे वाइट हो चुका है। इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें हमारा बटन जो है वो रेडी है। अब आपने करना ही है कि अब आपने यहाँ पे जो आपका ग्रीन स्क्रीन थी ना, इसको आपने यहाँ पे लेके जाना है यहाँ तक, ये वीडियो तक, ठीक है ना। और उसके बाद आपका जो ये वाला ऑप्शन था इस पर हम क्लिक करेंगे, ये वाले पे, ठीक है, यानी ये जो हमारा चैनल का लोगो था इसको भी हम यहाँ पर तक इसके तक लेके जाएंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे वापस आना है। आने के बाद ये सब्सक्राइब वाला बटन जो है इसको अब हम यहाँ से यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा सब्सक्राइब वाला बटन यहाँ पे ऐड हो चुका है। होने के बाद सिंपल यहाँ पे हमने क्लिक किया, जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख ले, अब यहाँ पे मैं आपको वीडियो जो है चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें ये हमारा बटन जो है वो रेडी है। अब हमने इसको जो है वो इसको सेव करना है। किस तरह से सेव करना है, आपको ये जो एक्सपोर्ट का बटन नज़र आ रहा है ना, ये वाला इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये याद रखिएगा कि इसको आपने आराम के साथ बनाना है, बिल्कुल आराम के साथ, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ तक जैसे यहाँ पे ये देखे ना, ये आगे जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे ये खाली रह जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको इसके बराबर तक जो है करना है, यानी यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा बैक जो है वो कर लेना है, ठीक हो गया। यहाँ से इसको भी कर लेते हैं, इस वीडियो तक हमने इसको जो है वो टोटल करना है, ये वीडियो का जो यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसको जो है वो करना है एक्सपोर्ट, यानी इसको सेव करना है। करने के लिए ये वाला मैंने आपको बता दिया कि इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों के सामने सेव का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है सेव के ऑप्शन पे। जैसे ही सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपकी वीडियो यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मेरी वीडियो जो है वो सेव हो रही है। तो यहाँ पे सेव होने के बाद हम यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे दोबारा से हम जो है एक वीडियो उठाएंगे अपनी, जिस पे हमने ये बटन जो है वो ऐड करना है। वीडियो हमारी सेव हो चुकी है। अब हमने दोबारा जाना है वापस यहाँ पे काइनमास्टर में। जाने के बाद हमने एक न्यू प्रोजेक्ट जो है उसको यहाँ पे ऐड करना है। करने के लिए हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसको काइनमास्टर को जो है वो ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे देखें आप दोस्तों के सामने ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ पे हम जो एक वीडियो जो है वो ऐड करेंगे। अब यहाँ पे दोबारा से आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, करने के बाद आपने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है ये वाला 16:9 इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपने यहाँ पे दोबारा आके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये आपसे कहेगा कि आप कौन सी वीडियो जो है वो ऐड करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे वीडियो जो है वो ऐड करनी है, उसके लिए यहाँ पे मैंने एक वीडियो जो है वो यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है। तो मैं यहाँ पे वो वीडियो जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पे मैं वीडियो जो सेलेक्ट कर ली, करने के बाद यहाँ पे हम आ गए, ये वीडियो हमारी आ चुकी है। अब हमने करना क्या है कि हमने वो वाला बटन जो सेव किया था उसको हमने यहाँ पे ऐड करना है। उसके लिए हमने यहाँ पे जाना है लेयर पे। यहाँ पे लेयर पे आपने क्लिक करना है। करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पे ये वाले लेयर पे हमने पहले क्लिक किया, उसके बाद हमने मीडिया पे क्लिक कर देना। जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया मीडिया पे, अब यहाँ पे हम वो वाला बटन जो एक्सपोर्ट हमने किया था यानी सेव किया था उस पर हमने क्लिक करना है। यहाँ पे हम बटन जो है वो ऐड करेंगे। ये हमारा बटन जो है वो आ चुका है। अब बटन यहाँ पे आ चुका है। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप इसको कहाँ पे जाके जो है वो लगाना चाहते हैं, यानी वीडियो के शुरू में लगाना चाहते हैं तो आप वीडियो के शुरू में इसको लगा सकते हैं। वीडियो के एंड में इसको लगाना चाहते हैं तो आप वीडियो के एंड में इसको जाके लगा सकते हैं। अगर आप वीडियो के दरमियान में इसको लगाना चाहते हैं तो वीडियो के दरमियान में भी इसको लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन बताऊँगा। अब यहाँ पर अब थोड़ा सा हमने इसको स्क्रॉल डाउन किया, करने के बाद अब यहाँ पर हम इसको क्रोमा की के जरिए जो हमारा बैकग्राउंड है इसको हम रिमूव करेंगे। ये क्रोमा की आप दोस्तों के सामने इस पर आपने क्लिक कर देना। जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया, क्रोमा की पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है इनेबल वाला इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखें इनेबल करने के बाद अब यहाँ पे आपने इसको जो 28 वाला है इसको 50% यहाँ पे करना है। करने के बाद हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें हमारा ग्रीन बैकग्राउंड जो है वो खत्म हो चुका है। अब आपने इसको क्लिक करना है। इस वीडियो को क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ये जो आपका बटन है इसको आपने यहाँ से थोड़ा सा क्लोज कर लेना और यहाँ पे आके ऐड कर देना, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारा बटन जो है वो ऐड हो चुका है। मैं यहाँ पे आप दोस्तों को ये वीडियो जो चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें जैसे ही यहाँ पे ये देखें ये बटन हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया, ये बटन हमारा यहाँ पे ओके हो गया।
इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका ये बटन जो है वो वीडियो के यहाँ पे दरमियान में आए, तो सिंपल आपने वीडियो को यहाँ पे ले आना है। लाने के बाद आपने दोबारा लेयर पे जाना है और मीडिया पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आपने सिंपल उसी तरीके से बटन को जो है वो क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे वीडियो को ऐड करना है बटन को। करने के बाद आपने क्रोमा की पे जाना है। क्रोमा की पे जाने के बाद सिंपल आपने उसी तरह से यहाँ पे आके इस तरह से कर देना है। करने के बाद आपने यहाँ पे 50% करना है, ठीक होगा, ओके हो गया। ये देखिए ये हमारा बटन जो है वो आ चुका है। इसको उसी तरह से आपने यहाँ पे दोबारा से इसको क्लोज कर लेना है। अब यहाँ पे अगर आप इसको कुछ ना कुछ यहाँ पे इस पे जो है वो एनिमेशन डालना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे ओवरवेल या इन एनिमेशंस, जैसे यहाँ पे ये पॉपअप वाला है, साइड स्लाइड राइट है, यहाँ पे देखें ये इस तरह से आएगा, ठीक हो गया। यानी ये देखें इस तरह से आएगा। यहाँ पे मैं आप दोस्तों को चला के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये वीडियो चल रही है तो यहाँ पे देखें ये इस तरह से साइड से आएगा और ये देखें इस तरह से आएगा, ठीक हो गया। तो सिंपल सा वर्क है, कोई यहाँ पे मुश्किल नहीं है। आप अपनी तमाम वीडियोस पे इस तरह से ये बटन जो है वो ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप दोस्तों को इसकी समय लग चुकी होगी और आप दोस्त जो है अपनी तमाम वीडियो पे बिल्कुल आसानी के साथ ये बटन जो है वो ऐड कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों बात यह है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, टाइम तो थोड़ा सा लगता है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपकी वीडियो जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आपके व्यूज़ उतने ज़्यादा आएंगे और आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स और लाइक्स भी उतने ही अच्छे आएंगे। तो उम्मीद है कि अब आप अपनी तमाम वीडियोस पे बिल्कुल आसानी के साथ ये बटन जो है वो लगा लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कहीं भी कोई भी परेशानी का सामना बने, यानी आपको कहीं भी मुश्किल नज़र आए, तो आप हमें कमेंट में आके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब जो है वो ज़रूर दिया जाएगा और जहाँ तक हो सका आपकी हेल्प जो है वो की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।